प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मोदी ने सदन को ये बताया है कि कांग्रेस ने कितनी भूल की है। मोदी ने आपातकाल से लेकर मुसलमानों की दशा के लिए कांग्रेस को कोसा। मोदी ने सदन को ये बताया कि मुसलमानों के प्रति कांग्रेस की सोच क्या थी, कांग्रेस की नजर में मुसलमानों की क्या अहमियत थी। पीएम मोदी ने कांग्रेस की केंद्र सरकार में मंत्री रहे एक नेता के बयान का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस के मंत्री ने खुद ये कहा है कि कांग्रेस ये मानती है कि मुसलमानों के उत्थान की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। अगर वो गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो पड़े रहने दो। जब वो शाबानों का मसला चल रहा था तब कांग्रेस के किसी मंत्री ने कहा था मुसलमानों के उत्थान की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। देखिए गंभीर बात है, मुसलमानों के उत्थान की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। इफ दे वॉन्ट टू लाई इन द गटर लेट देम बी। मंगलवार को धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में जवाब के दौरान जब पीएम मोदी ने ये बात कही तो सदन में हंगामा हो गया। इसके बाद पीएम मोदी ने इंटरव्यू का यूट्यूब लिंक साझा करने की बात कही। इस इंटरव्यू के बारे में जब रिसर्च की गई तो पता चला कि यह दावा राजीव गांधी सरकार में मंत्री रहे आरिफ मोहम्मद खान ने की है। अपने इंटरव्यू में आरिफ मोहम्मद खान ने ये भी खुलासा किया है कि कांग्रेस के किस मंत्री ने उनसे मुसलमानों के लिए ऐसा बोला था। कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने दावा किया है कि नरसिम्हा राव ने उनसे कहा था कि मुसलमान हमारे वोटर हैं, हम इन्हें क्यों नाराज करें, हमारा रोल समाज सुधारक का नहीं है, हम राजनीति के बिजनेस में हैं और अगर ये गड्ढे में पड़े रहना चाहते हैं तो पड़े रहने दो। आरिफ मोहम्मद ने आज फिर उस बयान को दोहराया जो नरसिम्हा राव ने उनके इस्तीफे के बाद शाहबानो केस के फैसले के बाद कहा था। नरसिम्हा राव जी ने मुझसे कहा कि भाई तुम इतना जिद क्यों कर रहे हो, शाहबानो ने भी अपना स्टेंस बदल लिया। वो गलत सही कह रहे थे, गलत नहीं कह रहे थे। जब मौलवियों ने दबाव डाला शाहबानो के ऊपर तो उसने अपना बयान बदल दिया था, कहा मुझे ये सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया ये नहीं चाहिए, तो उसने भी अपना बयान बदल दिया। तुम्हें क्या परेशानी है? और अब हम कोई सोशल रिफॉर्मर थोड़ी है मुसलमानों के, अगर वो गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो पड़े रहने दो। तो मैंने कहा साहब मैं फेमिनिस्ट के तौर पे मेरी कोई रेपुटेशन नहीं है कि मैंने महिला अधिकारों की बड़ी लड़ाई लड़ी हो, मेरे सामने पर्सनल इंटेग्रिटी का सवाल है। जब पीएम ने सदन में ये बताया तो सियासी तूफान खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री के बयान पर ओवैसी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने शाहबानो को याद किया लेकिन तबरेज अंसारी, अखलाक और पहलू खान को याद नहीं किया। ओवैसी ने कहा कि अगर कोई गटर का बयान देता है तो आप मुस्लिमों को आरक्षण क्यों नहीं देते, मुसलमानों को गटर से आप क्यों नहीं निकालते। प्रधानमंत्री को शाहबानो याद है, तबरेज अंसारी याद नहीं आया, इखलाक याद नहीं आता उनको, पीलू खान याद नहीं आते उनको, अलीमुद्दीन अंसारी याद नहीं आता उनको, याद नहीं आता कि उन्हीं के मंत्री के लोगों ने अलीमुद्दीन अंसारी के खातिलों को फूल का हार पहनाया था। तो और अगर कोई ये गटर में रहने की बात कर रहा है तो भाई आप हमको रिजर्वेशन क्यों नहीं देते, दीजिए ना मुसलमानों को बैकवर्डनेस के नाम पर रिजर्वेशन दीजिए, चलिए निकालिए हमको, उठाइए ऊपर। ज्यादातर उनको अपने 5 साल का ब्यौरा, कार्य का ब्यौरा और आगे के विजन इस पर सीमित रखने, लेकिन उनका भाषण पूरा नहीं होता जब तक कांग्रेस पार्टी को पानी पी के गाली ना दे दे। वही करने का काम करते हैं, हमेशा काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करते हैं। अल्पसंख्यकों का कैसे विश्वास मिलेगा, बात बात में जगह जगह पर लिंचिंग की घटना, ऐसे में वो वर्ग क्या इन पर विश्वास करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मुसलमानों पर कांग्रेस की सोच और गटर पॉलिटिक्स को हवा दे दिया है, यानी एक बार फिर मुसलमानों को लेकर देश में सियासत गर्म हो गई है। अब सियासत इस बात को लेकर गर्मा गई है कि मुस्लिम को लेकर किसकी क्या सोच है। अब सवाल है कि क्या मोदी देश को ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की हितेशी नहीं है, वो सिर्फ वोट बैंक के लिए सियासत करती आई है, वो बीजेपी के नाम पर मुसलमानों को डराती आई है, क्या मोदी कांग्रेस से मुसलमानों का मोह भंग करने के लिए ये सब कुछ कह रहे हैं, क्योंकि सालों बाद मोदी ने अब ये सवाल क्यों उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट।